अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए तीन ऐसी टिप्स लाई हूँ जिन पर एग्ज़ाम्स के दौरान अगर उन्होंने अमल कर लिया तो वो इंशाल्लाह टॉप ज़रूर करेंगे। वो स्टूडेंट्स स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अकेडमी के हों, किसी भी शोबे में स्टडी कर रहे हों। जनाब, इन टिप्स पर मैंने अपने एग्ज़ाम्स में ख़ुद जो है वो अमल किया है और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सो तीन टिप्स सुनने से पहले आप वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक ज़रूर कर दीजिए। जनाब, पहले नंबर पे जो टिप है वो ये कि आप जब भी एग्ज़ाम दें, अब वो आप टेस्ट दें या एग्ज़ाम दें, किसी भी किस्म का पेपर दें, आपने शुरू में ताउस तस्मिया और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पे आप जब भी पेपर दें तो आप पढ़ पढ़ कर ज़रूर लिखें, दिल में पढ़ें, आहिस्ता आवाज में पढ़ें, लेकिन पढ़ें और लिखें साथ साथ। और तीसरे नंबर पे आप इसमें इस पॉइंट पे अक्सर स्टूडेंट्स अमल नहीं करते, लेकिन आपने क्या करना है कि हमेशा जब भी आप पेपर कर लें पूरा मुकम्मल तो आप ज़रूर एक दफ़ा उसे पढ़ लें। क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट को ये उन्हें होती है कि वो जल्दी जल्दी अपना पेपर करके एक दफ़ा बिना पढ़ें और मिस को दे दें, वो उन्हें अप्रिशिएट करें, टीचर कहें कि इस बच्चे ने सबसे पहले पेपर कर लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, फिर ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इस टिप पे अमल करेंगे। आपने क्या करना है, जब भी पेपर आप कर लेंगे तो एक दफ़ा पढ़ना है, गलतियाँ निकलेंगी तो एक और दफ़ा पढ़ना है। जब तक आपकी गलतियां नहीं ख़त्म होती आप पढ़ते रहेंगे, आप रीड करते रहेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम्स में पोजीशन ज़रूर लाएंगे, बल्कि आप इंशाल्लाह टॉप करेंगे अगर इन तीन टिप्स पर अमल कर लिया। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।